बोलिए शंकर भगवान की जय। 3 महीना पहले हम लोगों ने यहाँ पर यही बगल में दुर्गा मंडप है, एक वहाँ ग्रामवासियों के साथ एक बैठक किया था और उसमें ये विचार विमर्श हुआ था कि हम लोगों को रुद्र महायज्ञ करना है। तो फिर दोबारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें पूरे बराक वैली से सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया और उसमें निर्धारित हुआ कि 22 जनवरी से 1 फरवरी तक रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और ये स्थान का भी उसी दिन निर्धारण हुआ कि इसी स्थान पर किया जाएगा और रुद्र महायज्ञ के साथ, क्योंकि महायज्ञ हो रहा है तो रुद्र कौन है, रुद्र महायज्ञ क्या है, ये सब जानकारी के लिए प्रवचन जरूरी है। इसलिए यहाँ शिव महापुराण आप लोगों के सामने रखा हुआ है, इसके ऊपर प्रवचन करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं पंडित आनंद शास्त्री जी महाराज, ज्योतिषाचार्य, वेद पुराण उपनिषद के प्रकांड विद्वान है। शिव महापुराण पर प्रवचन करने वाले देश में बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोगों में एक राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, उनका प्रवचन प्रतिदिन 3 बजे से और 6 बजे तक चलेगा। और रामलीला एक ऐसा हम लोगों का समाज का एक बहुत प्राचीन परंपरा है जो लुप्त हो रही है, तो उसको भी बचाए रखने के लिए हम लोगों ने अयोध्या से 20 कलाकारों को बुलाया है। पंडित अवधेश शास्त्री जी के नेतृत्व में कलाकारों की टीम कल यहाँ पहुँच रही है और रात को 7 बजे से प्रतिदिन रामलीला भी होगी। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो तिथि होता है, जो एकम से शुरू करके और 15 दिन चलता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का, तो ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है ये शुक्ल पक्ष में शुरू हो रहा है, ये एकम से शुरू हो रहा है, एकादशी तक चलेगा। तो ये जो तिथि होती है वो तिथियाँ हमारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर तिथि में कोई न कोई पवित्र दिन एक रहता है। तो जो 22 जनवरी है उस दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है, तो नव दुर्गा पूजन उस दिन रहेगा, 23 जनवरी को कन्या पूजन होगा, 24 जनवरी को पार्थिव लिंग निर्माण है, 25 जनवरी को रुद्राभिषेक होगा, 26 जनवरी को बसंत पंचमी है उस दिन सरस्वती पूजा होगी और विद्यारम्भ संस्कार किया जाएगा, 27 जनवरी को अष्ट भैरव पूजन है, 28 जनवरी को जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए कात्यायनी पूजन है और 29 जनवरी को अन्नप्राशन और नामकरण संस्कार होगा। इसी बीच में अगर किसी को अपना जन्मदिन मनाना है, किसी को अपना विवाह का वर्षगांठ मनाना है, तिथि के अनुसार या तारीख के अनुसार उसका भी यहाँ पर सुविधा रहेगा। उसके लिए ये सब विविध धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पुरोहितों की एक अलग टीम यहाँ पर बनाई गई है जो प्रशिक्षित और वेद कर्मकांड के पूरे जानकार लोग हैं। और 1 फरवरी को हमारी पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति के दिन मुंडन संस्कार का आयोजन किया जाएगा। पूर्णाहुति के पश्चात ये पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 22 जनवरी को सुबह 7 बजे से बरम बाबा मंदिर से कलश यात्रा के माध्यम से होगा। हमारे हजारों माताएं, बहनें और भाई कलश यात्रा में शामिल होंगे। 5 नदियों का जल, गंगा, सरजू, ब्रह्मपुत्र, बराक और लौंगाई नदी का जल, 5ों नदियों का जल मिला करके और वहाँ से तालाब में मिलाया जाएगा और वो जल भर करके और कलश लेकर के माताएं बहने कलश यात्रा में आएंगी। ये पूरा कार्यक्रम अपने आप में एक विराट अनुष्ठान होने जा रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम ये पहली बार बराक वैली में आयोजित किया जा रहा है जिसमें यज्ञ है, प्रवचन है, रामलीला है और धार्मिक अलग अलग अनुष्ठान है। तो इसमें बराक वैली के यत्र तत्र सर्वत्र कोने कोने से बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना है। इसके लिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ भी मीटिंग किया है, उन लोगों ने पूरा इसमें सहयोग करने के लिए कहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर 2 लोग घूम भी रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, उसके लिए जिला प्रशासन से भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम की अनुमति प्राप्त किया है, विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है यहाँ पर कार्यक्रम के लिए, फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया है, PHE डिपार्टमेंट को भी सूचित किया गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी सूचना दी गई है। इस पूरे इस विशाल अनुष्ठान को करने के लिए जितनी औपचारिकताएं हैं लगभग अभी सब पूर्ण होने की तरफ है। आप लोग देखेंगे महायज्ञ लगभग कुंड जो है सारा यज्ञ मंडप बन करके तैयार है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो आज
पूरा हो जाएगा। उधर रामलीला मंडप और प्रवचन का पंडाल बन रहा है, वो भी देख सकते हैं आप लोग, हजारों लोगों के लिए वहाँ पर बैठने की व्यवस्था रहेगी और प्रतिदिन महाप्रसाद भी रहेगा। महाप्रसाद का विशेषता ये है कि यहाँ से घुंघूर, फकीर, टीला, जोगीपाड़ा, बेटेंद्री चार गांव के लोगों ने महाप्रसाद का पूरा खर्चे का दायित्व लिया है। ये चार गांव के लोगों ने अपना सामग्री उठा करके कलेक्शन करके और सब सारा व्यवस्था, जितने भी भक्त आएंगे उनके लिए यहाँ पर महाप्रसाद का व्यवस्था है। लेकिन टाइम लिमिटेशन रहेगा, 2-2.5 घंटे के लिए ही महाप्रसाद का रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम में डिस्टर्ब ना हो इसलिए ज़्यादा लंबा उसको नहीं चला सकते। आज के इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जन और रामदेवियों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह जो रुद्र महायज्ञ का आयोजन, रुद्र महायज्ञ आयोजन समिति ने जो घुंघूर में किया है, बहुत ही अच्छा ही स्थान इन लोगों ने चुना है, क्योंकि ये बराक वैली का केंद्र है। इसका आवागमन का भी जो सुविधा है बहुत ही सुगम है। यज्ञ जो हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं, तो मानव जीवन का सफलता का यह आधारशिला है। यज्ञ हमारा जो देश है, यह है सदियों से ही ऋषि मुनियों का परंपरा भूमि रहा है। यज्ञ से विशुद्धि होता है, क्योंकि जहाँ अग्नि है वहाँ शुद्ध होता है। यज्ञ होने से ऑक्सीजन निकलता है, जो हमारा स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इस हमारा जो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने जंगलों में हर जगह यज्ञ करके हमारा विलक्षण संस्कृति को उत्पन्न किया। जो आजकल हमारा जो संस्कृति है, वह जो नव युवक है वो दूर हट रहे हैं, तो इस तरह का आयोजन से उनमें इस चीज़ का उन पर बहुत ही असर पड़ेगा कि ना हमारा यह संस्कृति थी, ये हमें करना चाहिए। इससे बहुत तरह का हमें एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन नहीं होने से हम लोग चल नहीं पाएंगे। रही इससे क्या होता है, तो महादेव है, तो जहाँ महादेव है वहाँ सब ठीक है। तो इस मानव जाति पर बहुत बड़ा ही सैकड़ों साल बाद इस तरह की महामारी आई, जो पूरे विश्व को नरसंहार के रूप में आगमन की थी। तो हमारा देश में जो श्रमिक वर्ग थे, उन लोगों ने काफ़ी शारीरिक मेहनत करते हैं, इस तरह इसलिए उन पर इस तरह के बीमारियों का कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। जो लोग मानसिक रूप से मेहनत करते हैं और फिजिकली मेहनत कम कर पाते हैं, उन लोगों का ऊपर इस कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो इस यज्ञ से हम लोग में एक अपने आपन में हम लोग एक सूत्र होंगे और इस तरह का मानसिकता आएगी कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए। इससे क्या होता है, मन को शांति मिलता है, विकास करेंगे और हम लोग का संस्कार उत्पन्न होगा, तो इससे हम लोग में एकता होगी। तो हम लोग अपने यज्ञ में हम लोग क्या कहते हैं, आहुति देते हैं एवं देवियों को उसमें खाना देते, तो हमें अपने अंदर को जो राक्षस रूपी अहंकार है उसको इसमें दान दे दे और सब एक होकर के रहे। हर हर महादेव। रविवार थी, सुबह 6:30 बजे से जग मंडल में बास रहेगी और जितना माँ बहना इलाका के पूरे इलाका के इस भाग में देने के लिए मैं अनुरोध करूँगा कलश यात्रा लेने के लिए। और ये कलश यात्रा यहाँ से पास में उठकर ब्रह्म बाबा के मंदिर 7 बजे तक पहुँच जाना है, वहाँ गंगा पूजा होकर फिर वहाँ से कलश यात्रा आरंभ होगी, आके जग मंडप पर पहुँची। इसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जितना इलाका के माँ बहन है सभी कलश यात्रा में भाग लें, ये पुण्य के भी भाग लें। पहले तो आज सभी मीडिया के प्रबुद्ध कर्मी को हमारा सत सत नमन, और यहाँ उपस्थित इस आयोजन समिति के और संरक्षक मंडल के सभी को हमारा नमन। अभी आप लोगों ने हमारे प्रधान संपादक से कार्यक्रम के बारे में विस्तार से आप लोग को जानकारी मिली है।